बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल, एक फंक्शन हमें दिया है, पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और सी प्लस 2 for x is greater than equal to minus 1। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये इस c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। मतलब कि एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 की लिमिट जो है वो फंक्शन के वे अप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट करती है, सही है। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन, दो चीज़ें हमें गिवन हैं, एक तो हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, और दूसरा हमें कहा गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन पे, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ये है सी, सही है। तो इस सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट पहले देखें तो हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और इस तरह से जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम एग्जिस्ट चेक करते थे कि क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अब इसमें, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, खुद दे दिया गया है कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने फाइंड करना है सी की वैल्यू। तो एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सही है, ये गिवन है हमें। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट साइड के लिए लेस देन के लिए, ठीक है, लेस वाला यूज़ होगा, एक्स इज़ लेस देन माइनस 1। तो इन दोनों में से कौन सा एक्स इज़ लेस देन माइनस 1 है, ये है, ठीक है। इसमें एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है, मतलब कि एक्स इज़ लेस देन माइनस 1 के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स प्लस 2। अच्छा, अब इसमें हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 जो कि बन जाता है 1 के इक्वल, सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 के इक्वल, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, सही है। तो अब देखें, अब हमने राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं उसकी क्या वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, प्लस का साइन जो है वो राइट साइड को शो कर रहा है, तो ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो, ठीक है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 फंक्शन में देख लेते हैं कहाँ पे डिफाइंड है, ये है एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए ये फंक्शन है सी प्लस 2, ये हम यूज़ करेंगे सी प्लस 2। अच्छा, अब इसके लिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू एक्स की जगह पुट करनी थी, अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इस पे बेशक ये लिमिट अप्लाई करें या ना करें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो सी प्लस 2 ही आएगा, ठीक है, सी प्लस 2, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सी प्लस 2। एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 फ्रॉम राइट ऑन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखें, पहले तो हमें क्या गिवन था वो पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। एज गिवन लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या है, 1 है, सही है, 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या है, सी प्लस 2।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, राइट हैंड लिमिट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन चुकी है, सी प्लस टू इज इक्वल टू वन। तो इस इक्वेशन से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सी इज़ इक्वल टू वन माइनस टू, मतलब कि सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। तो यही हमने सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, जबकि हमें गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो ये हम सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। ठीक है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सही है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो हमें कहा गया कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, कंटिन्यूस। अच्छा, और इसके अलावा हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स फॉर इफ एक्स इज लेस देन थ्री। ठीक है, एक्स इज लेस देन थ्री के लिए फंक्शन जो है वो एम एक्स है, और इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री जो है, इक्वल टू थ्री के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो है एन, और एक्स इज ग्रेटर देन थ्री के लिए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो माइनस टू एक्स प्लस नाइन है, माइनस टू एक्स प्लस नाइन। अच्छा, ये है एन, ये है एम। ठीक है, इस एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इस एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें ये फंक्शन गिवन है पीस वाइज फंक्शन, और साथ में हमें कहा गया ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स वेरीफाई हो सकते हैं, मतलब कि एक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और दूसरा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट इनपुट होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट्स। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मतलब यह है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री ऑन एफ ऑफ एक्स। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन एफ ऑफ एक्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे वो पहले हम देखते हैं। एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब कि एक्स इज लेस देन थ्री वाला यूज़ होगा। एक्स इज लेस देन थ्री कौन सा, एम एक्स। इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट की वैल्यू, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि बन जाएगी 3m। सही है, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। तो ये बन गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट वो होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस आ गया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स, और राइट साइड के लिए हमारे पास जो है कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स ग्रेटर देन थ्री वाला। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन थ्री कौन सा डिफाइंड है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री के लिए ये फंक्शन है माइनस टू एक्स प्लस नाइन। तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे माइनस टू एक्स प्लस नाइन। अच्छा, इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस टू इंटू थ्री प्लस नाइन बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, बल्कि इसमें माइनस सिक्स प्लस नाइन है, ये बन जाएगा माइनस सिक्स प्लस नाइन, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू थ्री के। अच्छा, अब देखें, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब ये था कि एक तो उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमने उसकी जगह लेफ्ट हैंड लिमिट जगह उसकी वैल्यू पुट की जो हम फाइंड कर चुके थे, 3m आई थी, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो
3 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m इज़ इक्वल टू 3/3, ये 3 यहाँ जाके डिवाइड हो गया और m इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है, ठीक है। तो इसी m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि आ चुकी है m इज़ इक्वल टू 1। और इसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी थी एट n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यही कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कंटिन्यूटी के। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू देखें किसके इक्वल होती है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी इज़ इक्वल टू 3 होगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी वैल्यू 3 हमने यूज़ की, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू की। तो फंक्शन की एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि एक्स इज़ इक्वल टू 3 कब होगा और उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये फंक्शन में हम देखते हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू 3 फंक्शन जो है वो एन के इक्वल है, ठीक है। तो वो हमने पुट कर दिया एफ ऑफ 3 की वैल्यू एन, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो एम की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और एन की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसी तरह से अब इसका जो क्वेश्चन पार्ट टू है वो भी सेम इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी हमें एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 माइनस, इसका स्क्वायर रूट है माइनस, ये माइनस जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है माइनस, और ये आ जाएगा x+7 डिवाइडेड बाय x-2 जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा, उसके लिए ये वैल्यू है फंक्शन की, और k वैल्यू है जब x इज़ इक्वल टू 2 होगा, x इज़ इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू आज हमने फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये k है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जब k फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है और हमने इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा होगा लिमिट के लिए, एक्स अप्रोचेस टू 2 के लिए, मतलब कि एक्स अप्रोचेस 2 का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है 2 के इक्वल नहीं है, या छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम वैल्यू, ठीक है, जो कि ये है एक्स इज़ इक्वल टू 2 वाली वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट में क्या होता है कि अप्रोच कर रहा होता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो अप्रोच करना मतलब कि इक्वल नहीं होता, सही है। तो एक्स इज़ इक्वल टू 2, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 वाली वैल्यू हम फंक्शन यूज़ करेंगे, वो है 2x+5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+7 डिवाइडेड बाय x-2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम इसमें लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं ये 2 इधर पुट करूँ तो क्या बनेगा, 2x+5, इधर 2 आ जाएगा 2 × 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट माइनस 2+7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2-2। तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, सही है। डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या है, ये वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी, तो अनडिफाइंड वैल्यू तो हमने नहीं लानी होती लिमिट पुट करने से, ठीक है। तो हम इसको कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि ये अनडिफाइंड वैल्यू ख़त्म हो सके, कोई ना कोई हम डिफाइंड वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है। तो टेक्निक हम क्या यूज़ करते हैं, देखें पहले भी हम लिमिट्स 1.3 में इवेलुएट कर चुके हैं बहुत से फंक्शंस की, उस तरह से हम चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, विद पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है, इसके ऑपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो इस पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2x+5 माइनस x+7 डिवाइडेड बाय
x माइनस टू, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ इसके न्यूमरेटर से विद ऑपोजिट साइन, तो वो बनेगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो अब इसको हम इस तरह से, बल्कि x माइनस टू नहीं, यही ऊपर जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से हम डिवाइड करेंगे ताकि इस फंक्शन को फ़र्क भी ना पड़े, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ये a है, अगर ये b है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, सही है। तो वो फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है इस डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अच्छा, अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर है तो ओपन कर देते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 बन गया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, सही है। तो साथ में लिमिट साथ साथ चलती आ रही है, x अप्रोचेस टू 2 है, सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस x इज़ x और 5 माइनस 7 इज़ माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ये देखें, न्यूमरेटर में x माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो बाकी फंक्शन बचा वो क्या है, 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, सही। तो ये वो टर्म थी जिसको हमने कैंसिल किया, ये वो टर्म थी जिसकी वजह से डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी, ठीक है। तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, मतलब कि अब ज़ीरो नहीं आएगा लिमिट अप्लाई करने से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। तो ये हम फाइंड क्या करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट फाइंड कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं। पहले ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ रही थी, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही थी, तो उस अनडिफाइंड फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज़ की, ठीक है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विद ऑपोजिट साइन। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, लिमिट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 7 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 प्लस 3, 1 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू आ रही है फंक्शन के लिमिट की, ठीक है, ऑन फंक्शन। अच्छा, अब हम हमें कहा गया था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि वैल्यू आ चुकी है 1/6, सही है। तो अब इस ये वैल्यू इक्वल किसके होगी, ऑफ फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट इनपुट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 के, मतलब कि एफ ऑफ 2 के इक्वल होगी ये वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। तो एफ ऑफ 2 क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो हम फंक्शन में देखते हैं, एट x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है k, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर f ऑफ 2 इज़ k और लिमिट की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि आई है 1/6। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं k इज इक्वल टू 1/6, जो कि हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि इक्वल आ चुकी है 1/6। ये यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 1.4 भी यहाँ पर ख़त्म होती है।